ये हिंदुस्तान है, यहाँ बंदिशें नहीं होती, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे आज़ादी होती है, तभी ये हिंदुस्तान बनता है, तभी ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी बनता है। हमें फ्रीडम होना चाहिए हमारे रिलीजन के लिए, हमें फ्रीडम होना चाहिए हमारे जेंडर्स के लिए, हमारे फ्रीडम होना चाहिए, हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम के अंदर आजकल जो चीज बढ़ती जा रही है वो है लेस एंड लेस पार्ट ऑफ अ टीचर इन बिहेवियरल ट्रेनिंग ऑफ अ स्टूडेंट, कि टीचर जो होता है उसका बच्चों पे एक लेवल ऑफ कंट्रोल होना चाहिए। वी मस्ट नो हाउ टू इम्प्रूव अ चाइल्ड। सो एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेके चलती थी कि माँ बाप ने जो बच्चे हमें दिए हैं कि इनको पढ़ाओ, इनको बेहतर सिटीजन बनाओ, इनको बेहतर इंसान बनाओ, तो वो जिम्मेदारी मैं पूरी कर सकूँ। आने वाले कल में मेरी फैमिली, मेरे लोग, मेरा हिंदुस्तान ये तो कहेगा कि रूबी खान नाम की एक लेडी थी जो भारत यात्री बनी थी, राहुल गांधी के साथ चली थी, कल उस गांधी ने हिंदुस्तान को आजाद कराया था, आज रूबी खान के साथ ये गांधी है, तानाशाह एक ही जंजीरों से चला है। हिस्ट्री में कहीं ना कहीं एक छोटा सा शेर इस रूबी खान का भी होगा, बच्चियों के फ्यूचर में एक छोटा सा शेर इस रूबी खान का भी होगा, मेरे बच्चों के फ्यूचर में एक छोटा सा शेर इस रूबी खान का भी होगा। इसलिए ये रूबी खान राहुल गांधी जी के पीछे चल पड़ी, भारत यात्री बनकर।